हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। किसी दांत को निकालने के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, किस कंडीशन में दांत को निकाला जाता है। काफ़ी समय से पूछ रहे थे काफ़ी सारे व्यूअर्स, तो उनका भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ट्राई करेंगे ईजी रखने का और साथ साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मेरे नोट्स थे हमारे टाइम के, उसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें से कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, इंडिकेशंस होंगे, जिनमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सट्रैक्शन करें, लेकिन एक्सट्रैक्शन के लिए इंडिकेटेड होते हैं, हम उसको समझ लेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कुछ किसी प्रोसीजर में हम किसी कंडीशन में हम करते हैं। चलिए तो समझते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। शुरू करते हैं। इंडिकेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, किन किन कंडीशन में हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने 16 लिखे हुए हैं। फर्स्ट है डीपली कैरियस टूथ विथ पल्पल पैथोलॉजी। कोई ऐसा टूथ जो जिनमें कैरीज बहुत ज़्यादा हुई हो, यहाँ पर हम ज़रूरत होगी तो समझते जाएंगे। ये हमारा टूथ है, ऐसा होता है, बीच में इसके पल्प होता है, यहाँ पे सब बोन होता है और ये रूट है, ये ऊपर का पोर्शन। तो डीपली कैरियस टूथ, ऐसा टूथ जो बहुत ज़्यादा कैरियस हो गया हो, जिसपे स्ट्रक्चर ना बचा हो, इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो, विथ पल्पल पैथोलॉजी, जो हमारा पल्प है उसमें पैथोलॉजी हो गई हो, ऐसी कंडीशन में दांत को एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। पहली कंडीशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इंडिकेशंस है कि दांत को निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो आप देखेंगे, इनमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, आगे इनको बचाने की ट्राई कर सकते हैं, बचाया भी जा सकता है, जैसे इसमें भी हम कर सकते हैं, वैसे ही नेक्स्ट भी आप देखेंगे। सेकंड है पेरियोडोंटल डिसीज। अब पेरियोडोंटल डिसीज में जो सीवियर पेरियोडोंटल डिसीज होती हैं, जहां पर जो बोन है, जो गम्स है, वो बहुत ज़्यादा हट गए हैं, नहीं बचे हैं, दांत मोबाइल है या दांतों को नहीं बचाया जा सकता, ऐसी कंडीशन में एक्सट्रैक्शन इंडिकेटेड होता है, नहीं तो हम पेरियोडोंटल सर्जरी से टूथ को बचा सकते हैं। तो दूसरा इंडिकेशन है पेरियोडोंटल डिसीज, ये आप समझेंगे। थर्ड है पेरियोपाइकल इन्फेक्शन या फिर जो एब्सेस होता है। पेरियोपाइकल किसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं, ये हमारा टूथ है, तो जो अपाइकल पोर्शन होता है इसको हम अपेक्स बोलते हैं। यहाँ पर कोई लीजन बन गया है, घाव बन गया, उसको हम बोलते हैं पेरियोपाइकल इन्फेक्शन या एब्सेस। इसमें भी इंडिकेटेड है दांत को निकाला जा सकता है। सेम इस कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचाया जा सकता है, अगर जरूरी है तो। लेकिन एक इंडिकेशन होता है कि अगर पेरियोपाइकल एब्सेस है, डीप इन्फेक्शन है, तो निकाला जा सकता है। फोर्थ है फ्रैक्चर ऑफ टूथ। अगर दांत किसी कारण से, ट्रॉमा से या किसी इंजुरी से फ्रैक्चर हो गया है, तो भी दांत को निकालना पड़ सकता है, ये भी एक इंडिकेशन है। अब फ्रैक्चर में भी अलग अलग फ्रैक्चर होते हैं, कभी समझेंगे, एलिस क्लास वन क्लास टू, मतलब अगर सिर्फ एनेमल फ्रैक्चर हुआ है, जो डेंटिन फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको दांत को बचाया जा सकता है। डीप फ्रैक्चर है, रूट तक फ्रैक्चर है, तो निकालना होता है, इसलिए ये है लिखा हुआ है फोर्थ फ्रैक्चर ऑफ टूथ, अगर दांत फ्रैक्चर हो तो ये एक इंडिकेशन है। आगे चलते हैं फेलियर ऑफ लार्ज रेस्टोरेशन। किसी टूथ में केविटी थी, खराब था, या और किसी कारण से रेस्टोरेशन किया गया हो, लार्ज रेस्टोरेशन, जो बड़े रेस्टोरेशन किया गया हो, फिलिंग की गई हो और वो फेल हो गया हो, इस कंडीशन में भी दांत को निकालना पड़ सकता है, इंडिकेशन है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है दिमाग में, जो हमने स्टार्ट में समझा कि ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें दांत को निकालना पड़े, लेकिन एक इंडिकेशन है कि दांत को निकालना भी पड़ सकता है, निकाला भी जा सकता है, या इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ है एंडोडोंटिक फेल्योर। एंडोडोंटिक फेल्योर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया है, उसके बाद फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो भी निकालना पड़ सकता है, या फिर हम री आरसीटी करते हैं, री रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो दांत को निकालना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। सेवन्थ है ऑर्थोडोंटिक रीजन। ऑर्थोडोंटिक रीजन, जो वायर्स लगाए जाते हैं दांतों को सीधा करने के लिए, तो इस कंडीशन में, कुछ केसेस में,
जनरली चार दांत निकालने होते हैं, जो ऊपर का फर्स्ट प्रीमोलर है, नीचे के दो फर्स्ट प्रीमोलर है, इनको निकालना होता है दांतों को पीछे लेने के लिए, क्राउडिंग है उनको ठीक करने के लिए, तो ऑर्थोडोंटिक रीजन से निकालना पड़ सकता है, ये एक इंडिकेशन है। आगे चलते हैं, एट्थ, प्रोस्थोडोंटिक कंसिडरेशन या प्रोस्थेटिक कंसिडरेशन, इसको समझें। अगर कोई प्रोस्थेटिक वर्क आपके मुंह में होना है, आपको कोई प्रोस्थेसिस लगानी है, दूसरे दांत लगाने हैं जो कुछ दांत नहीं है, तो उसको लगाने से पहले माउथ प्रिपरेशन किया जाता है, जिसमें ज़रूरत हो सकती है कि कुछ दांतों को निकालना पड़े, तो एक इंडिकेशन ये है प्रोस्थेटिक कंसिडरेशन, प्रोस्थो वर्क के पहले करना पड़ सकता है। नाइन्थ है इम्पैक्टेड टीथ, ऐसा दांत जो आपके बोन में फंसा हुआ हो, इम्पैक्टेड हो और इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्शन उसमें हो रहा हो, जनरली ये होता है थर्ड मोलर के केस में, जो लोअर थर्ड मोलर होते हैं और अपर भी थर्ड मोलर इम्पैक्टेड होते हैं, इसके अलावा कैनाइन इम्पैक्टेड होते हैं, ऐसा कोई भी दांत जो इम्पैक्टेड है, प्रॉब्लम कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, जनरली होता है थर्ड मोलर के केस में, तो ये इंडिकेशन होता है इम्पैक्टेड टीथ। आगे चलते हैं, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप व्यूअर्स हैं, जनरली आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं, क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट है तो चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, दसवें नंबर का है दोस्त, टीथ इन्वॉल्व्ड विद सिस्ट और ट्यूमर ऑफ जॉ। अगर हमारे जॉ में कोई सिस्ट हुआ है, कोई ट्यूमर हुआ है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है दांतों को निकालने का। ये इंडिकेशंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इंडिकेशन देख लिए और हमें कहीं पर दिखा सिस्ट है या ट्यूमर है तो हमने सीधे दांत को निकाल दिया, उसके पहले इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, न्यूप्लास्ट तो नहीं है, ट्यूमर जो है वो कैंसरस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। हम सिर्फ इंडिकेशन पढ़ रहे हैं किन कंडीशन में निकालना पड़ सकता है। तो ऐसा टीथ जो जिसमें सिस्ट हो गई हो या ट्यूमर हो गया हो जॉ का, निकालना पड़ सकता है। आगे चलते हैं, 11th, टीथ इन लाइन ऑफ फ्रैक्चर। ध्यान से समझिए, ऐसा कोई टीथ जो फ्रैक्चर लाइन में आया हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझते हैं पहले, क्योंकि हमने एक टीथ में समझा हुआ एक पॉइंट में फ्रैक्चर ऑफ टूथ, इसका मतलब है कि दांत फ्रैक्चर हो गया हो, रूट तक फ्रैक्चर हो गया हो, लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं है। टीथ इन लाइन ऑफ फ्रैक्चर से मतलब है, मान लीजिए हमारा मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो गया, नीचे वाली जॉ फ्रैक्चर हो गया किसी एक्सीडेंटल रीजन से, और जो फ्रैक्चर लाइन आती है जहाँ से फ्रैक्चर होता है उसको हम फ्रैक्चर लाइन बोलते हैं, उस फ्रैक्चर लाइन में अगर कोई टूथ आ रहा है तो ज़रूरत हो सकती है कि उस टूथ को निकालना पड़े, बोन को सर्जिकली एंगेज करने से पहले, उसको अटैच करने के पहले। ये हो गया 11। आगे चलते हैं, 12th है सुपर न्यूमरी टूथ। सुपर न्यूमरी टूथ मतलब होता है ऐसा टूथ जो एक्स्ट्रा हो, जो हमारे नॉर्मल 28 टूथ होते हैं, चार विजडम टूथ होते हैं, 32 32 दांत होते हैं, उसके अलावा कोई टूथ है जो एक्स्ट्रा आपने कहीं निकला हुआ देखा होगा, उनको हम बोलते हैं सुपर न्यूमरी टूथ। अगर एस्थेटिक रीजन से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है या और कोई प्रॉब्लम उसके कारण हो रही है तो निकालना पड़ सकता है सुपर न्यूमरी टूथ, ये एक इंडिकेशन है। आगे चलते हैं, 13, सीरियल एक्सट्रैक्शन। सीरियल एक्सट्रैक्शन को समझिए, जो बच्चे होते हैं उनमें डेसिडस टूथ होते हैं, दूध के दांत आप समझते हैं, तो कुछ कंडीशन में सीरियल एक्सट्रैक्शन करने पड़ते हैं, मतलब कि जो परमानेंट दांत है, जो परमानेंट टूथ बड है जो डेसिडस के नीचे है, उनको जगह देने के लिए सीरियल एक्सट्रैक्शन, मतलब एक के बाद एक दांत निकालने होते हैं जो डेसिडस है, दूध के दांत है उनको, ताकि जो परमानेंट टूथ बड है उनको आने के लिए जगह मिले, वो निकल पाए। अगर डिलेड इरप्शन है कुछ बच्चों में, या जो दांत है वो टूट नहीं रहे हैं, बड़े हो गए काफ़ी फिर भी नहीं टूट रहे हैं, ऐसे कंडीशन में सीरियल एक्सट्रैक्शन करना होता है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ भी कंफ्यूजन है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, समझेंगे आगे हम। 14th पॉइंट है,
एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार का एक्सट्रैक्शन परमानेंट, अब कब, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है क्योंकि कन्फ्यूजन होगा कि क्यों फर्स्ट और सेकेंड मोलार निकाल रहे हैं, आगे लिखा भी हुआ है टू प्रोवाइड स्पेस ऑफ थर्ड मोलार को निकालने के लिए। यहाँ पे हमने समझा इम्पेक्टेड टीथ में जनरली थर्ड मोलार जो तीसरा दांत होता है लास्ट का वो इम्पेक्टेड होता है, बोन में फंसा होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार अगर डिकेड हो, बहुत ज़्यादा खराब हो, जिसको बचाया नहीं जा सकता है, तो उसको निकाला जाता है ताकि जो थर्ड मोलार है उसको स्पेस मिल सके, उसको हम पोजीशन में ला सके और आगे हम उसको यूज़ कर सके क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मोलार खराब हो गए हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है। इसके बाद 15 देखिए, इन ओरल मेलेग्नेंसीज, जो मुंह के मेलेग्नेंसीज होती हैं, कैंसर्स आप ऐसा समझ सकते हैं, उस कंडीशन में निकालना पड़ सकता है। लेकिन जस्ट हमने पिछले वीडियो में समझा हुआ था कि मेलेग्नेंसी है, कैंसर आपको लग रहा है, तो डायरेक्ट दांत नहीं निकाला जा सकता, मेटास्टेसिस बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे जितने भी न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो डायरेक्ट अगर आपको सस्पेक्ट है केस कैंसर के लिए, मेलेग्नेंसी के लिए, तो आप उसकी बायोप्सी करा सकते हैं, पहले पूरा आप चेकअप कराएंगे, उसके बाद ही अगर ज़रूरत हो तो निकालना होता है। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, इन ओरल मेलेग्नेंसीज, लेकिन वेयर रेडिएशन थेरेपी इज गिवन, टूथ विच नॉट मेंटेन्ड साउंड स्ट्रक्चर आर रिमूव। जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी पहले से चल रही है और जो कुछ टूथ है जो साउंड स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, यूज़ के नहीं है, उनको निकाला जा सकता है। डायरेक्ट मेलेग्नेंसीज में एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रूट रिजॉर्प्शन 16 पॉइंट है, अगर किसी दांत की रूट रिजॉर्व हो गई है उसको, इसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जैसे हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं कि इंडिकेशन एक ही है, इसके अलावा भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं एक्सट्रैक्शन के अलावा भी। तो रिजॉर्प्शन, अगर इंटरनल रिजॉर्प्शन है, अंदर से रूट रिजॉर्व हो रही है, अलग वीडियो में हम समझ लेंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, अंदर से रिजॉर्व हो रही है या बाहर से रिजॉर्व हो रही है और ज़रूरत है उसको निकालने की, तो एक्सट्रैक्शन इंडिकेटेड होता है, हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने कुछ 16 इंडिकेशन पढ़े कि किन कंडीशन में दांत को निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इरोजन है, एट्रीजन है, एफ्रेक्शन है, और भी जो है इस कंडीशन में भी निकालना पड़ सकता है, लेकिन सेम दांत को बचाया भी जा सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस कंडीशन में भी दांत को निकालने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, आप देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर ज़रूर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या जिन्हें भी ज़रूरत है, शेयर ज़रूर किया करें। और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।